वचन, प्रार्थना, ये चीजें अगर आपकी लाइफ में हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, कोई आपको आत्मिक उन्नति करने से रोक नहीं सकता। आप बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो सबसे पहले वचन, वचन जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं और जब आप वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आपको पता होता है कि सच क्या है, फिर आप झूठी बातों में नहीं फंसते। सबसे पहले हम एक वचन देखेंगे, पढ़ेंगे 2 पत्रस 1:3, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। आप एक मैच्योर विश्वासी के अंदर परमेश्वर का स्वभाव देखते हैं, आप परमेश्वर के आत्मा के फल देखेंगे, लेकिन एक अनमैच्योर व्यक्ति, वो परमेश्वर का स्वभाव नहीं होगा, वो शारीरिक होगा, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है ना, वो लड़ता बहुत जल्दी है, गालियां निकाल, बहुत सारी मनुष्य का पुराना स्वभाव होगा उसके अंदर, पुराना मनुष्य का स्वभाव उसके अंदर होगा। लेकिन एक मैच्योर मसीह व्यक्ति, उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव होगा। परमेश्वर ने हमें अपने पास इसीलिए बुलाया कि हमारे अंदर परमेश्वर का नेचर आए, परमेश्वर का स्वभाव आए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आत्मिक उन्नति करना चाहते, लेकिन वो अपने पुरानी लाइफ को छोड़ना नहीं चाहते, पुराने नेचर को बदलना नहीं चाहते। हालेलुया। 2 तिमुथियुस 3:16-17, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, कौन सा पवित्र शास्त्र? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन क्यों दिया गया है हमें? हमें समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए, परमेश्वर की शिक्षा देने के लिए। हम इससे अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, हम दूसरों को भी उपदेश देते हैं, ताकि हम सिद्ध हो जाएं, हमारे बच्चे सिद्ध हो जाएं, और हम हर भले काम करने में तत्पर हो जाएं। हालेलुया। तो एक मैच्योर विश्वासी, अगर आप एक आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो आपको दिन और रात वचन के साथ कनेक्ट रहना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सत्य को जानोगे, उतना अधिक आप परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की बातों को जानोगे, सत्य को जानोगे, और आप झूठ से, दुनिया से, शैतान की बातों की, आपको पता होगा किन चीजों से दूर रहना है और किन चीजों को करना है। हालेलुया। तो सबसे पहले एक मैच्योर विश्वासी, उसको वचन के साथ कनेक्ट रहना है दिन रात। आप दिन में चाहे 10 बार बाइबल पढ़ो, जब भी टाइम मिले वचन पढ़ो, जहां भी जा रहे हो वहां पे आपको टाइम मिले वचन पढ़ो, क्योंकि जब आप सत्य को नहीं जानते, इसीलिए शैतान आपकी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाता है, आपके जीवन में फॉल्स टीचिंग आ जाती है, गलत शिक्षा आ जाती है, क्योंकि आप सही शिक्षा को नहीं जानते, आप प्रभु के वचन से कनेक्ट नहीं हो। हालेलुया। आपको पता नहीं कौन सा वचन किस समय आपकी लाइफ में काम करे, तो आपको वचन के साथ कनेक्ट रहना है। आप जहां भी है, जब भी है, आपको थोड़ा सा समय भी मिलता है, आप वचन को पढ़िए, क्योंकि जितना ज्यादा, बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर ने बोला अपने हृदय को वचन की अधिकाई से भर लो। हालेलुया। आप सोचो एक गिलास के अंदर अगर पानी फुल है, तो आप और डाल सकते हैं उसके अंदर? हाँ, डाल सकते हैं। इसी तरह एक विश्वासी जब वचन से भरा हुआ है, तो फालतू चीजें, फालतू बातें, फालतू चुगली, फालतू गलत चीजें आएंगी नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी भरे हुए हैं, कोई जगह नहीं है फालतू चीजों की आपके जीवन में।
हालेलुया। ये कब होता है? जब वचन के साथ दूरी बनती है। तो अगर आप एक मैच्योर विश्वासी बनना चाहते हैं तो हमेशा आपको वचन के साथ कनेक्ट रहना है, क्योंकि वचन आपको सुधारने के लिए, उपदेश देने के लिए, परमेश्वर ने आपको सिद्ध करने के लिए ही ये वचन आपके जीवन में, आपके हाथों में पहुंचाया है ताकि आप सिद्ध बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। वो हम सिद्ध कैसे बनेंगे? जितना ज्यादा हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के नेचर के बारे में जानेंगे, जितना अधिक हम परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, हम उसके जैसे बनते जाएंगे। हालेलुया।